ये सोच के मेरा दोनों से तक। तो गाइस जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वाली वीडियो में मैं भी आपको इस टाइप का स्टेटस क्रिएट करना सिखाने वाला हूं, क्योंकि गाइस अभी के टाइम में इस टाइप का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो भाई मैं भी बिल्कुल आपको सब कुछ स्टेप बाई स्टेप से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, आपको प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नेम है नोड एप्लीकेशन, ठीक है। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंड एप्लीकेशन का नेम है एलाइड मोशन, इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये गाइस दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इनको ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए गाइस मैं इसको फटाफट से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, आपको अपने एलाइड मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे ही गाइस आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अब नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली गाइस आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जिस भी रेशो में आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9:16 के रेशो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट का, तो सिंपली आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली अब साइड में फिर से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड इमेज में जाना है, तो आपको एक इसमें इमेज ऐड करना है। उस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद अब साइड में नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म का, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और इसको आपको इस तरह से आपको जूम कर लेना है। एंड जूम करने के बाद अब आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आके आपको कुछ इस तरह से करके आपको यार इसको ऊपर की साइड थोड़ा कर लेना है। करने के बाद अब आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब सिंपली आपको फिर से इस लेयर पर क्लिक करना है, और इसके लेयर को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ा लेना है। एंड जितना बड़ा वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उसी के हिसाब से गाइज आप इसकी लेयर को बढ़ा सकते हैं। तो अब करना क्या होगा, साइड में आपको गाइज अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है। जिस भी आप म्यूजिक पर लिरिक्स वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना म्यूजिक यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको प्लस पर क्लिक करना है और इमेज या वीडियो में चले जाना है। तो मुझे एक वीडियो में से ही सॉन्ग निकालना है, तो मैं उस वीडियो में से ही सॉन्ग निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वो वाला वीडियो इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं गाइज वो वाला वीडियो पहले देख लेता हूँ कि भाई वो वीडियो है कहाँ पर। तो सो गाइज ये रहा वो वीडियो, तो साइड में आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा थ्री डॉट का, तो सिंपली आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें इस वीडियो का ओनली सॉन्ग लेना था। तो मैं अब देख लेता हूँ कि जो इसका फर्स्ट लिरिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो मैं एक बार ये वीडियो प्ले कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। आपको साउंड सुनाई नहीं देगा बिकॉज गाइज यहाँ पर मैंने अभी माइक यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिरिक्स है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले गाइज मैं करता क्या हूँ, अपने जो लिरिक्स है वो यहीं से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप करना क्या होगा, साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट का, तो आप सिंपली आपको सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना लिरिक्स यहाँ पर लिख दिया है। तो सिंपली अब करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये सही से एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको रोबोटर रेगुलर पर आपको क्लिक करना है, और आपको एक इसमें फॉन्ट ऐड करना है। उस फॉन्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब फॉन्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद अब सिंपली गाइज करना क्या होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आके वाइट सेलेक्ट करना है। और वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस वाले ऑप्शन पर आके आपको कुछ इस तरह से करके आपको जूम करना है। एंड जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको यहाँ पर आपको इसको लगा देना है। एंड इसको नीचे लगाने के बाद अब सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिरिक्स यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अब ये गाइज ये वीडियो आपको एक बार और प्ले करके देख लेना है कि जो लिरिक्स है हमारा ये कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो चलिए मैं एक बार ये वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ।
सो गाइस जो ये लिरिक्स है ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इसकी लेयर को भी यहीं है गाइस, मैं इसकी लेयर को भी यहीं तक कर लेता हूँ क्योंकि हमारा लिरिक्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। तो अब करना क्या होगा आपको, जो ये लिरिक्स है लिरिक्स वाली लेयर है आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इफेक्ट्स का। तो सिंपली आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर चले जाना है एंड इसमें ये वाला आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है, सॉरी फिफ्थ वाला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला आपको इसमें ऐड करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 या 4 5 6 यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है जिस पर लिखा भी है हैटर स्केल आउट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज ये देख सकते हैं ये जो हम यहाँ पर इसमें इफेक्ट ऐड किया है तो ये फटाफट से यहाँ पर आ रहा है। तो जो यहाँ अब गाइज आपको इसको थोड़ा स्लोली करना है, तो स्लोली करने के लिए अब करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एक वाइट वाइट सा दिख रहा होगा इसकी हेयर के बीच में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे ये ऐसा ही ऊपर आ जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा सा आगे ले जाना है, आपको इसकी लेयर से थोड़ा आपको पहले लेके जाना है। तो अब ये स्लोली स्लोली आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आराम आराम से आ रहा है। और अब देख सकते हैं इसमें ये लिरिक्स यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो गाइज अगर आप अपना जो नेक्स्ट लिरिक्स है वो लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाके आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके आपको इसको इस लेयर पर क्लिक करना है और इसको आपको आगे की साइड थोड़ा सा इस तरह से आपको इसको आगे की साइड यहाँ पर लगा देना है। जो भी आपका नेक्स्ट लिरिक्स जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, अगला लिरिक्स जहाँ पर भी आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको चले जाना है, इसको वहाँ पर आपको लगा देना है इसकी लेयर को। और लगाने के बाद अभी आपको अपनी इस लेयर पर क्लिक करना है एंड एडिट मर चले जाना है, और यहाँ पर जो आपका अगला लिरिक्स है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना अगला लिरिक्स भी यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नेक्स्ट लिरिक्स। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अगला लिरिक्स यहाँ पर लिख दिया है, एंड लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। और गाइस आपको कुछ नहीं चेड़ना है, बस आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, और ओके पर क्लिक करके आपको इसको अब जा सही से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, म्यूजिक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको सही से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार, तो मैंने इसको सही से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। तो सिंपली अब करना क्या होगा, जो आगे का पार्ट है आपको कट करना है, तो सिंपली आपको इस लेयर पर क्लिक करना है और इस पर यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। एंड कट करने के बाद अब सिंपली करना क्या, साइड में आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है एंड वीडियो में चले जाना है। तो आपको इसमें एक बटरफ्लाई वाली वीडियो ऐड करना है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये वीडियो इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का, तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आपको गाइस क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हाइट एन पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे गाइज आप स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो अब जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपको कट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देता हूँ, तो ये अब गाइज आपको करना क्या होगा, आप ये वीडियो आपको अपनी गैलरी में सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ये वीडियो गाइज यहाँ पर एक्सपोर्ट होने लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव का, तो सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब आ जाना आपको बैक, एंड बैक आने के बाद अब सेकंड एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही गाइज आप इसको ओपन करेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा, एंड टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने के बाद अब साइड में यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस और न्यू का, तो आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या होगा, साइड में नीचे की साइड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रेशो का, तो सिंपली आपको रेशो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको 9:16 रेशो आपको सेलेक्ट करनी है। एंड सेलेक्ट करने के बाद अब सिंपली गाइज करना क्या होगा, अब करने के बाद आपको साइड में अब यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करके आपको मीडिया में चले जाना है, और वो जो वीडियो आपको अभी हमने एक्सपोर्ट किया एलिट मोशन में वो वाला वीडियो आपको इसमें ऐड करना है। तो चलिए गाइज मैं फटाफट से उस वीडियो को यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मैंने ये वीडियो इसमें ऐड कर दी है तो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या होगा, अब आपको आ जाना है साइड में, आपको नीचे यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस का, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एसिड स्टोर पर आ जाना है। एसिड स्टोर पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको काफ़ी इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हेलो स्कैन का, तो सिंपली आपको ये वाला इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखते हैं इसमें हेलो इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सिंपली अब करना क्या होगा गाइज, आपको करना क्या होगा, अब आपको जो ये इवोल्यूशन है इसकी इवोल्यूशन को आपको इस पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा आपको कम करना है। ठीक है, आपको यानी कि इसको 0.20 आपको रखना है और इसकी रेडियस को आपको 3.50 आपको इसको रखना है। जितना जितना मैं बोल रहा हूँ आपको इतना ही रखना है और इसकी सेटिंग को आपको इतना ही रखना है। इंटेंसिटी को भी आपको सेम रहने देना है एंड सेम रहने के देने के बाद आपको मैं ठीक है, तो सिंपली अब करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा येलो कलर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड ये सेकंड वाली जहाँ पर ये एस लिखा है आपको इसको फुल करना है, और फुल करने के बाद आप जाओ जो भी आप इसमें कलर वाला बैकग्राउंड में आप कलर वाला ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड फोटो का कलर है वो भी यहाँ पर ब्लू है, तो मैं इसमें क्योंकि अगर ब्लू ऐड करूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कहीं पर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है, एंड फिर से आपको एसिड स्टोर पर चले जाना है। तो अब सिंपली यहाँ पर फिर से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सॉरी इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे साइड एक इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेन ड्रॉप्स का, तो सिंपली आपको रेन ड्रॉप्स पर क्लिक करना है। एंड रेन ड्रॉप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इफेक्ट ऐड हो गया है। अब साइड में आपको नीचे साइड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लर का, तो सिंपली आपको ब्लर पर क्लिक करना है एंड क्लिक करके आपको इसको बिल्कुल जीरो कर लेना है। आपको जीरो कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर रेन ड्रॉप्स और यहाँ पर देख सकते हैं हेलो इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। तो सिंपली अब करना क्या होगा, आपको ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको इसकी रेजोल्यूशन को आपको 1080 यहाँ पर रखना है, 1080 आपको इसको रखना है। ठीक है, रखने के बाद अब सिंपली आपको नीचे इसकी क्वालिटी पर क्लिक करना है, एंड क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आप जिस भी क्वालिटी में इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको हाई पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड हाई पर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस वीडियो को यहाँ पर जो साइड नीचे की साइड यहाँ पर एक वीडियो का लोगो आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ग्रीन ग्रीन, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये वीडियो गाइस एक्सपोर्ट होने लगेगा और ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि गाइस आज की ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद वंदे मातरम।